हिंदुस्तानी आज़ादी में बीजेपी का कोई किरदार नहीं, केटीआर। टीआरएस के वर्किंग सदर के तारक रामाराव ने हफ्ते के रोज़ कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी की तारीख में कोई किरदार नहीं है, वो जो इनका नहीं है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ट्वीट्स में केटीआर ने सबसे पहले अपने नाना जय किशोर राव के बारे में बात की, जो साबिका रियासत हैदराबाद के आखिरी निज़ाम के खिलाफ तेलंगाना बगावत का हिस्सा थे, और कहा कि इनके ख़ानदान की अवामी मकासद और वसीतर भलाई के लिए लड़ने की तारीख है। इन्होंने कहा कि मैं आप सबको अपने ख़ानदान की एक ऐसी शख्सियत से मुतारफ़ करवाता हूँ, मेरे नाना जय किशोर राव। गांधी जी से मुतासिर होकर इन्होंने 1940 की दिहाई के अवाखिर में तेलंगाना बगावत के एक हिस्से के तौर पर निज़ाम के खिलाफ जंग लड़ी। इन्हें हुकूमत हिंद की तरफ से एक शख्सियत के तौर पर आज़ादी के लिए लड़ने वाला तस्लीम किया गया। इन्होंने मज़ीद कहा, मैं काबिल फ़ख्र हिंदुस्तानी हूँ जिसका ख़ानदान अवामी मकासद के लिए लड़ने की तारीख रखता है, और इससे भी बड़ी अच्छी बात है कि मरकज़ में मौजूदा निज़ाम कितने रहनुमाओं का हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी में कोई किरदार है, वो जो इनका नहीं है इसको दुरुस्त करने के बहुत ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं।